बच्चों मेंटल मैथ क्लास 7। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का जो इंटीजर है उसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हम करेंगे। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियो को पूरा देखें, देखकर सीखें, दूसरों को सिखाएं और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन 21, देखो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन कहता है सम नंबर एडिड टू -11 गिव्स 37, ठीक है। कोई नंबर है जो 11 में ऐड किया गया है तो रिजल्ट आ गया 37, ठीक है। आइए तो इतना ही लिख लेते हैं, लेट द नंबर, ठीक है, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कि सम नंबर एडिड टू -11, ठीक है, -11 में क्या कर दिया गया है, वो ऐड कर दिया गया, ये मैंने कर दिया ऐड, वो नंबर हमने एक्स लिया तो एक्स को ऐड कर दिया और रिजल्ट क्या आ गया, 37 आ गया, ठीक है। आगे कहता है डिवाइड दिस नंबर बाय 12, ठीक है, और क्या कहता है इस नंबर को 12 से डिवाइड किया गया है, देन मल्टीप्लाइड बाय 8, और फिर उसको क्या किया गया, मल्टीप्लाई क्या किया गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, ठीक है ना, -8 से। व्हाट इज द फाइनल नंबर, तो फाइनल नंबर हमें अब बताना है। अब बच्चों देखो जैसा कि लिखा है सम नंबर एडिड टू -11 गिव्स 37, तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, उस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये -11 इधर आकर ये +11 हो जाएगा, आइए मैं इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल 37 और +11, ठीक है, कितना आ गया 48 आ गया, तो वो नंबर आ गया 48, ठीक है, ये 48 हो गया। अब कहता है डिवाइड दिस नंबर बाई 12, अब यहाँ पर 48 को डिवाइड कर दिया गया है किससे, -12 से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, 12 की टेबल में आता है 12 4 जा 48, लेकिन वन टाइम माइनस का साइन है तो वन टाइम्स लगा देंगे, ठीक है। आगे कहता है देन मल्टीप्लाइड बाई -8, और फिर -8 से इसको मल्टीप्लाई किया गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 4 8 जा कितना होता है 32 नंबर। आप पूछा है व्हाट इज द फाइनल नंबर, फाइनल नंबर है 32, फाइनल नंबर क्या है 32 है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, देखो फाइंड द नंबर ऑब्टेंड व्हेन 90 इज डिवाइडेड, ठीक है, 90 इज डिवाइडेड बाय 3 मोर देन द सम ऑफ 8 + 8 and 7, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें यानी एक नंबर बताना है जो हमें मिला है, कब मिला है, जब व्हेन, जब 90 इज डिवाइडेड, 90 को डिवाइड किया जाता है, ये डिवाइड किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। अब ये इसको डिवाइड किया जाता है किससे, 3 मोर देन द सम ऑफ 8 and 7, 8 + 7 इनके सम से, ठीक है, और इससे 3 मोर से जब इसको डिवाइड किया जाता है तो नंबर बताना है क्या आएगा, समझ में आया ना। लिखा है 3 मोर हो गया देन द सम ऑफ 8 and 7, 8 and 7 का सम से में से 3 मोर से इसको डिवाइड किया गया है, तो 8 और 7 का सम हमें फाइंड आउट कर लेना है, फिर उसमें 3 ऐड कर देना है और जो नंबर आएगा आप कर लीजिए, ठीक है। 90 डिवाइड अब 8 + 7 कितना होता है 15, 15 + 3 कितना होता है 18, ये आ गया। अब 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 90 होता, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहाँ पर मल्टीपल साइन आए हैं तो बोर्ड मास का रूल आपको अप्लाई करना है। अब बच्चों आपको क्या करना है, तो जो उससे पहले नंबर है उसे यू का लिख लीजिए, माइनस का साइन लगाइए। अब हमें करना क्या है, ठीक है, अब इस नंबर को अगर हम 40 से डिवाइड करें, एक तरफ डिवाइड करके आप देख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी कर लीजिए या फिर
फोर टू जा एट, या जो पैटर्न होता है उस पैटर्न से आप कर लीजिए, ठीक है, 200 आ जाएगा और प्लस 95, ठीक। अब प्लस का नंबर एक तो ये है और एक ये है, आई दोनों को प्लस कर लेते हैं, 195 माइनस 200, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 5 आंसर आ गया, क्योंकि 200 में से 195 माइनस करेंगे और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का आ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, भी बड़ा इजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये नंबर है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई 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 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए करते हैं, तो 90 और माइनस माइनस क्या कर देते हैं, प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप एक काम करें, ये जो है ना मल्टीप्लाई के साइन जिन जिन के बीच में, उनको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, बाद में करेंगे इसका, ठीक है, ये माइनस का साइन इधर रहने देते हैं, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 भी लिख सकते हैं और वो लिखा जाएगा माइनस का, ठीक है, बाद में आप इसको कर लीजिए। अब 90 और माइनस माइनस होता है प्लस 27, और तो आ गया बच्चों 117, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका आंसर बन गया है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों हमारे पास टू टर्म है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना, और बीच में है प्लस का साइन, तो इन दोनों में कॉमन नंबर आप निकालो, कॉमन नंबर है 895, इधर भी 895 है, तो 895 को आप ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे रह गया माइनस 35 और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 65 आप लिख सकते हैं इस तरीके से, तो 895 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई, और माइनस 35 और माइनस 65 कितना होता है, माइनस 100 होता है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। अब 895 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 895 ही आएगा, लेकिन माइनस, इसलिए माइनस का आएगा, और यहाँ पर 20 हम लगा देंगे बाद में, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो जब कभी भी बेस माइनस में हो तो आपको पावर देखनी है, ठीक है, पावर देखनी है। अब भाई 1 ऐसा नंबर है, उसको कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पावर हमने देखी, पावर किस में, ये है ओड नंबर, तो ओड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर पावर इवन नंबर होती तो आंसर किस में आता, प्लस में आता था, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ फिर वही आ गया, माइनस 1 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 15 टाइम्स करो, 50 टाइम्स करो, 90 टाइम्स करो, कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, लेकिन हमें सिर्फ पावर चेक करनी है, पावर अगर ओड में है तो माइनस में आएगा, अगर यहाँ पावर इवन होती तो फिर प्लस 1 हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। आइए माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 जा 1, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखो इधर ये क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, बहुत ही इजी है ये भी, देखो क्या कहता है, थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव एंड फर्स्ट 10 नेगेटिव इंटीजर। अब बच्चों यहाँ पर फर्स्ट तो 10 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, फर्स्ट 10 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है, और इसी प्रकार ये है फर्स्ट नेगेटिव है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब इसमें लिखा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर हो गए, प्लस के हो गए,
और फर्स्ट 10 क्या हो गए, नेगेटिव हो गई। अब इनका सम अगर हम फाइंड आउट करें तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जितने नंबर पॉजिटिव हैं उतने ही नंबर क्या है, नेगेटिव है। इस कंडीशन में आंसर क्या आता है, जीरो आ जाता है, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये ऐसे सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, डिवाइड करना है भाई, इसको तो डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन को तो डिवाइड करना है। आप इधर डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना, या आप फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 324 को किससे डिवाइड करना है, माइनस के साइन को मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है ना, इसे। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, 9 की टेबल आती होगी तो बड़ा इजी तरीके से हो जाएगा, तो 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 3 जा 27, यहाँ पे 9 3 जा 27, ठीक है, और कितना बचा इधर, 5 और 4 54 हो गया, 9 6 जा 54, ठीक है, 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी -12 आ गया बच्चों, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके सामने, ये भी बहुत इजी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर -38 / 5 है, तो 5 की टेबल लेंगे और 30 को डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा, तो -6 आ जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन इधर है, ये यहाँ पर है 2, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, क्यों यहाँ माइनस है ना, तो इसलिए माइनस लिखा मैंने, एक बार फिर देखो, आप चाहे तो इसको एक बार फिर लिख सकते हैं, और अब यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 6 जा, टेबल 6 पे चलेगी तो -6 आ गया, डिवाइड और 2, अब 2 की टेबल लेनी है, 2 की टेबल किस पे जाएगी, 3 पे जाएगी, और लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 729, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -27, फाइंड द अदर इंटीजर। बच्चों आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट लिखा ना, प्रोडक्ट का मतलब डिवाइड कर देना, उसको अगर निकालना है सेकंड नंबर, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं, सेकंड नंबर आपका आ जाता है। अगर एक्सप्लेन करना तो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है, और फर्स्ट नंबर या वन नंबर भी आप इसमें लिख सकते हैं, वो है -27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें कहता है कि ये -27 और मल्टीप्लाई ये अदर नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो प्रोडक्ट कितना आता है, 729 आता है। ठीक है, आइए तो बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का साइन मैं इधर ही रख देता हूँ अभी, तो 729 और 27 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, और 27 का हमें पता है स्क्वेयर होता है, तो ऊपर भी 27 आ जाएगा, यानी नहीं, अगर आप थोड़े से नहीं आ रहा है इस तरीके से डायरेक्ट निकालना तो आप इसको इस तरीके से 27 से इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से डिवाइड करें तो 27 आ जाएगा। तो x इक्वल 27, ये माइनस के साइन को मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है, तो अदर नंबर आपका आ गया 27। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है और प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। ठीक है, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स लिखते हैं, सर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई है स्टेट लेवल पर, तो मैं तो कहता हूँ कि आप हर क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, हर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छी रैंक लेके आइए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।